हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मोटो एज 15 न्यू के बारे में। मोटोरोला हमेशा से न्यू सीरीज के अंदर काफी तगड़ा वाला स्मार्टफोन लॉन्च करता है, जहाँ पे काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं और प्राइसिंग भी काफी कम रखी जाती है। इस बार भी वैसा ही कुछ होने वाला है। सो आज हम लोग बात करेंगे मोटो एज 15 न्यू के सभी कंफर्म डिटेल्स के बारे में, यानी कि ये फोन कब तक लॉन्च होगा, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे एंड ये फोन का इंडियन प्राइसिंग क्या रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फोन के लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो ये फोन मोटो एज 50 सीरीज की तरह ही सिमिलर वाले लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला है। कैमरा मॉड्यूल कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। बैक में वेगन लेदर की फिनिशिंग रहने वाली है एंड फोन काफी ज्यादा लाइट वेट एंड स्लिम होगा। साथ ही फोन पे IP68 की वाटरप्रूफ वाली रेटिंग भी मिलने वाली है एंड साथ ही दो यूनिक कलर ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं। तो लुक एंड डिजाइन नीट एंड क्लीन होगा, जो कि डेफिनेटली सभी को पसंद आने वाला है। अंदर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन आएगा 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस के साथ एक पीओएलईडी डिस्प्ले के साथ, जहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है एंड कंटिन्यू वॉचिंग को लेकर ये डिस्प्ले एचडीआर 10 प्लस 10 बिट कलर सैचुरेशन जैसे फीचर को भी सपोर्ट करने वाला है, यानी ये डिस्प्ले कंटिन्यू वॉचिंग, मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग के लिए बेस्ट होगा। कैमरास की बात करें तो ये फोन एक कैमरा सेंट्रिक वाला फोन रहने वाला है, जहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया जाएगा। 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी विथ वाइस एंड 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल, 10 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस, जो कि यूजुअली काफी कम फोनों पे दिया जाता है, जो कि यहाँ पर हमें दिया जा रहा है एंड यही पे फ्रंट भी 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी मिलने वाली है। तो फ्रंट एंड बैक के साथ दोनों के साथ अच्छे खासी क्लियरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये फोन के परफॉर्मेंस की तरफ, तो ये फोन आने वाला है डायमेंसिटी 7300 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 7 लाख के आसपास जाता है। यानी कि देखा जाए तो कोई भी बड़ा से बड़ा गेमिंग इजीली कर पाओगे, पबजी हो या फ्री फायर अच्छे खासे ग्राफिक के साथ खेल पाओगे। साथ ही 4 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर भी ग्लॉव्ड होगा, जो कि बैटरी को भी काफी हद तक बचाने वाला है एंड ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है LPDDR5 रैम टाइप्स एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है, यानी कि रैम रोम भी ये प्रोसेसर इजिली मैनेज कर पाएगा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर दिया जाएगा 4400 एमएच की बैटरी एंड इसे चार्ज करने के लिए 68 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है। फोन को लाइट वेट रखने के कारण में यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी को कम किया गया है, बट बैटरी अच्छा खासा चलने वाला है। इसके अलावा अदर स्पेक्स को लेकर होगा डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें ये कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी ये फोन के साथ। अब बात करें ये फोन कब तक और किस प्राइस पॉइंट तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, तो देख सकते हो फ्लिपकार्ट के ऑफिशियली पेज पे इसकी टीजर्स वगैरह बाहर आ चुकी है। यानी कि देखा जाए तो ये फोन 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास तक हमें इंडियन मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन 8/128 GB के बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगा, जिसकी प्राइसिंग हमें 30,000 के अंदर देखने को मिलने वाली है, यानी कि 28,000 या 29,000 के आसपास इसकी बेस वेरिएंट हमें इंडियन मार्केट में स्टार्ट देखने को मिलेगी। तो 28,000 से 30,000 के सेगमेंट में स्पेसिफिकेशन फोन पे काफी तगड़े दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फोन को लेकर वेट करना चाहिए। तो ये गाइस मोटो एज 15 न्यू से जुड़े काफी सारे डिटेल्स, तो हर वेज आज का ये भी आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते गाइस अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।